चलो भाई लोग, एक और मस्त और नई मेगा रैंप स्टार्ट हो चुकी है। और भाई आज के इस मेगा रैंप में कुल 12 या 13 बंदे हैं। और देखो भाई साहब, आज का जो मेगा रैंप है वो एकदम से ट्रैक जो है वो पतला होने वाला है, तो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। और यहाँ देख सकते हो यार, पहले स्टार्टिंग हुई और स्पीड ब्रेकर के साथ अपना जो गेम है वो स्टार्ट हुआ है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो रैंप है वो कैसा होने वाला है। ओ देख रहे हो भाई साहब, ये क्या है, ये है क्या, समझ आया कुछ? अरे नहीं, ये ऑटोमेटिक नीचे कैसे गया, कुछ समझ नहीं आया भाई। अरे यार देख रहे हो, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब कि कैसे सभी की गाड़ी एकाएक गिरी है भाई। इन सारे के सारे बंदे देखो, पीछे भी बंदे आगे भी बंदे हैं। तो चलो यार देखते हैं कि इसमें रैंप में कुछ है क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि रैंप में है क्या। तो चलो पहले यहाँ से अपनी कार को लेके चलते। और भाई मुझे लगता है शायद बस है ना, बस से यहाँ पर उसे बना दिया। ओके क्या है भाई, ये है क्या? ओके ओ भाई ये क्या सीन है, ओ भाई साहब, अरे ये देख रहे हो, ओहो क्या गजब है भाई, मतलब क्या मक्खन। ओ भाई आराम से आराम से आराम से आराम से, मतलब आपका भाई पहुंच चुका है, पहुंच चुका है, पहुंच चुका है, पहुंच चुका है। नहीं ओ नो यार, मतलब मैं पहुंच के नीचे गिर गया। अरे नहीं भाई साहब, मतलब कि एकदम नीचे चला गया था और मैं फर्स्ट हो गया था यार, लेकिन मैं देख रहे हो वहां से एकदम से नीचे आ चुका हूँ। और भाई साहब 12 और 11 पे खेल रहा, मतलब समझ रहे हो कि आराम से मैं नीचे पहुंच गया था। इतना मस्त ट्रैक है कि क्या ही बताऊं। लेकिन यार अपनी फूटी किस्मत बोल सकते हैं, पहली बार में तो मैं यहीं पे गिरा हूं और सेकंड बार में भाई साहब वहां से जाकर के गिरा हूं। और अब तो बंदे यार पहुंच गए हैं, अब तो बंदे वहां तक पहुंच चुके हैं। तो चलो यार पहले अपनी इस गाड़ी को लेके चलते हैं। देखो भाई साहब वहां पर ले जाने में अपने पास एक चैलेंज है और जो कि काफी ज्यादा खतरनाक चैलेंज है। ओके पहुंच गया, क्या मक्खन आया भाई, देख रहे हो, मतलब पहली बार ऐसे ही मैं आया था लेकिन मैं गिर गया था। लेकिन चलो यार पहली चेक पॉइंट क्या ही मक्खन हुई है, और एकदम छोटी सी ट्रैक है तो काफी ज्यादा मजा आएगा। तो चलो यार चलते हैं और नेक्स्ट कार की तरफ चलते हैं। यार मतलब जो ट्रैक बना हुआ है वो पूरा का पूरा बस से बना हुआ है, बस, जी हाँ दोस्तों बस से बना हुआ है। तो चलो यहाँ पर अपनी नेक्स्ट चेक पॉइंट है। और ये चेक पॉइंट देख रहे हो भाई साहब, पूरी की पूरी जो कचरे वाली गाड़ी है वो यहीं पे दे रखा है। लेकिन चलो यार फिर भी इसको लेके चलते हैं। देखो भाई इसकी जो टायर्स है ना वो चलती नहीं है, फिर भी ये खसीटती है भाई। तो चलो इसको लेके चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे कर पाते हैं। वैसे 7 से 8 बंदे इसको कर चुके हैं काफी ज्यादा आराम से, तो अब देखते हैं कि क्या हम इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई साहब टायर होती तो कुछ बात होता। यहाँ पर भाई साहब बिना टायर के है, तो चलो देखना पड़ेगा कि इसमें करना क्या है। ओ आराम से चलना, बस आराम से चलना बेटे। ओके बैलेंस है, बैलेंस है, बैलेंस है, बैलेंस है, क्या बात है, क्या बात है। अभी तक तो बेहतरीन है, अभी तक तो बेहतरीन था, अभी तक तो बेहतरीन था, मैं बोल सकता था, और यही मैं बोल रहा था भाई साहब। ओ नो देख रहे हो यार, देख रहे हो ये सीन तो गड़बड़ होने वाला है भाई। मुझे पता था, पहले ही पता चल चुका था कि ऐसा कुछ सीन होने वाला है। लेकिन चलो यार कोई बात नहीं है, ऐसे तो अभी गेम स्टार्ट हुई है, बंदे लेकिन दूसरी गाड़ी भी चेंज कर चुके हैं, तो पहले मैं इसको कर लूँ फिर देखा जाएगा दूसरी गाड़ी के लिए। ओके चलो भाई साहब अब इसको लेके चला जाए। मैं सोच रहा हूँ यार इसमें जो टायर नहीं है ना, तो मैं इसको आराम से लेकर के जाऊँ, क्योंकि मैं देखो टायर वाली गाड़ी को मैं रिस्क ले सकता हूँ, इसमें क्या ही रिस्क लूँ। तो चलो देखते हैं, पहले मैं इसको आराम से यहाँ से लेकर चलता हूँ। ओके क्या बात है भाई, क्या बात है, नहीं मुन्ना क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो यार, ये देख रहे हो, मतलब पता नहीं ऐसी ऐसी गाड़ी क्यों देता है। एक तो यार इतनी ज़्यादा खतरनाक ये रैंप है कि क्या ही बताएं आपको। और भाई साहब, और भाई साहब गया मैं पक्का जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैक है वो कुछ अलग है, कुछ ट्रैक जो है वो अलग है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और भाई ओके, ओ भाई क्या बचते आया हूँ मैं, ओ नो ओ नो भाई साहब चलो फाइनली आ गया, क्या बात है यार, क्या बात है, मतलब एकदम से डर का माहौल था, बंदे आ करके गिरे जा रहे हैं और फाइनली ये चेक पॉइंट अपनी हो चुकी है, क्या मजेदार तरीके से हुई है। तो चलो यार चलते हैं अब नेक्स्ट चेक पॉइंट की तरफ। काफी ज्यादा मजा आया, काफी ज्यादा डर का माहौल था लेकिन मजा भी काफी ज्यादा आया। तो चलो अब चलते हैं और देखते हैं कि भाई साहब नेक्स्ट कार में हमें कौन सी कार मिलने वाली है, नेक्स्ट चेक पॉइंट में कौन सी कार है। तो यार कहाँ से लेकर के जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, देखते हैं कि क्या चेक पॉइंट कहाँ है। ओ नो गलत सीन हो गया, चलो कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे भी करके चेक पॉइंट ले सकता हूँ। भाई साहब ये सीन देख रहे हो, देख रहे हो भाई साहब, एकदम से 360 में रोटेट कर सकता हूँ अपनी, और यहाँ पर मेरी गाड़ी ब्लास्ट कर देगी, मुझे पता था, क्योंकि ऐसे गिरने के बाद भाई गाड़ी ब्लास्ट ही होती है। ओके चलो यार कोई बात नहीं, एकदम छोटी सी गाड़ी मिली, लेकिन बंदे को भाई साहब ये मॉडिफाइड मिली हुई है, मुझे क्यों ऐसे मिली मुझे समझ नहीं आ रहा है। देख रहे हो बंदे को कौन कौन सी गाड़ी मिली पड़ी है। चलो यार निकल जाओ, बंदे धक्के देंगे, बंदे धक्के देंगे, और मैं ये चाहता नहीं कि मुझे बंदे कोई धक्का दे, और मैं सेकेंड हो चुका हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ओके और चलो भाई साहब बंदे पीछे हैं, बंदे हमसे काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। ले 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 ले, ओ भाई मैं समझ गया, मैं समझ गया, ये जो बस लगा पड़ा है सिर्फ और सिर्फ मजाक के लिए बना पड़ा है, मतलब कि आगे ही जंप करना पड़ेगा जहां पर भाई साहब रेलिंग लगी पड़ी है, अब समझा मैं वही सोचने की कोशिश कर रहा था कि भाई साहब यहां पर जो अपनी कार है वो गिर कैसे जा रही है, अब समझा भाई साहब।
अब समझा कि गलती कहां हो रही है। देखो गलती कहां हो रही है वो मैं आपको, अरे कौन था ये, था कौन ये, देखो 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 ये देखो भाई साहब, जो रैंप लगा पड़ा है वहीं पे, देखो भाई साहब सीन देख रहे हो, यही सीन होने वाली है। सच में यार कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है मतलब इस गाड़ी को करने में। देखो यार मतलब एकदम से स्पीड में लेकर के जाना पड़ेगा, धीमे धीमे ले जाने के चक्कर में मैं गिर सकता हूँ। तो चलो यार कोई बात नहीं, फिर से मैं कोशिश करता हूँ। और भाई साहब दिक्कत तो हो रही है, सच में मजा तो आ रहा है दिक्कत भी हो रहा है। चलो यार निकल जाओ मुन्ना निकल जाओ, यहाँ पर रुकना नहीं है, रुकोगे तो जाओगे, ये बात तो अब कंफर्म हो चुका है। और पहले अगर गाड़ी गिरी मतलब फिर भी जाओगे, लेकिन यहाँ पर मैं डिसबैलेंस हो चुका हूँ। और ओके मैं गिरते गिरते बचा हूँ, और क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, रुक जाना प्लीज रुक जाना, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर ओहो क्या बात है यार, मजे आ गए देख रहे हो, मतलब कि एकदम से स्पीड में लाना पड़ेगा। देखो यार स्लो में नहीं ला सकते हैं, स्लो में लाने से थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है और मैं गिर जा रहा हूँ, तो भाई साहब स्लो में नहीं लाना, चलो यार फुल स्पीड में लानी है। ओके और देखते हैं कि यहाँ पर जो अपनी पास अब नेक्स्ट चेक पॉइंट होने वाली वो कौन सी होने वाली है। देखो यार काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, लेकिन इतना बड़ा जो बस है ना, वो बस उतना बड़ा चेक पॉइंट है नहीं, बस सिर्फ देखने के लिए ही वहाँ पर बना रखा है। और ले भाई क्या दे दिया यार, ये क्या दे दिया यार, इतनी बड़ी गाड़ी को करना अपने आप में चैलेंज होने वाली है। तो चलो यार लेके चलते हैं, दो बंदे हमसे अभी भी आगे निकल चुके हैं। ओके चलो कोई बात नहीं है, अब इसको लेके चलते हैं। और भाई साहब ये तो चैलेंज है, मतलब इसको करने में हालत ख़राब होने वाली है मुझे लगता है जहाँ तक। तो चलो देखते हैं कि क्या हम लोग इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। खिलाड़ी रिटर्न फर्स्ट है और मैं हूँ सेकंड, और मुराद खान है सेकंड, ओके बाद मैं हूँ थर्ड। चलो कोई बात नहीं है, चलो भाई साहब आराम से निकाल ले, आराम से मुन्ना निकाल ले, स्पीड में निकालना, अगर टकराओगे तो सब कुछ जाओगे, ये बात तो है। ओके वही भाग जाए तो फिर मैं आराम से यहाँ से, अरे चल मुन्ना चल निकाल ले। ओके मुराद खान बेचारा गिर गया, चलो नहीं गिरा नहीं है वो बंदा, गिरा नहीं है, लेकिन मैं जाऊँगा मैं पक्का। ओ बच गया बच गया, अभी तक तो बचाऊँ मैं बचाऊँ भाई साहब, ओ नहीं यहाँ तो मैं पक्का जाने वाला हूँ, ओ भाई बचा हूँ, क्या बात है क्या बात है क्या बात। देखो यार यहाँ, अरे नहीं भाई साहब क्या जंप कर रहा है कार, भाई देख रहे हो मतलब रैंप से बाहर जाके गिर रही है। भाई साहब यार कितनी ज्यादा दिक्कत है, मतलब कि मैं एकदम से नीचे पहुंच गया था, और नीचे पहुंचने के बाद यार मतलब पूरा मैं नीचे चला गया था, फिर नीचे से हमें यहाँ आना पड़ा है। भाई साहब समझो यार कितनी ज्यादा ये दिक्कत वाली बात है, और ये जो कार है यार हो ही नहीं पा रही है। तो चलो देखते हैं भाई साहब, यहाँ पर तो ये बंदे भी एक अलग ही बात करे जा रहे हैं, और अगर मैं किसी बंदे से नहीं टकराया तो शायद मैं आराम से पहुंच सकता हूं, लेकिन चलो देखते हैं कि क्या हम लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन यार यहां पर मैं फिर लड़ गया बंदे से, और शायद मुझे मैं फिर से नीचे जाने वाला हूं, मुझे पता चल चुका है, देख रहे हो भाई साहब रैंप से भटकते भटकते। ओके ओके एकदम से एक रैंप और बचा हुआ है, भाई साहब रुक जाना प्लीज रुक जाना। ओके ओ भाई साहब क्या मजेदार तरीके से मैं आ पाया हूँ, मतलब समझ रहे हो यार यहाँ पर डर का माहौल कितना ज्यादा था, सोच सकते हो यार इतनी ज्यादा बड़ी गाड़ी है कि लाने में एक अलग ही चैलेंज था, एक अलग ही बात। देखो यार यहाँ से आपको रैंप अब सटीक दिख रहा है, ओरिजिनल रैंप इतना ही है, बीच में जो बस दे रखा है वो बस एक छलावा है और कुछ नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, फाइनली अपनी ये भी चेक पॉइंट हो चुकी है काफी ज्यादा अच्छी तरीके से। तो अब देखते हैं भाई साहब यहाँ पर हमें जो अब चेक पॉइंट मिलती है वो कौन सी होने वाली, और बड़ी गाड़ी है फिर से बड़ी है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये थोड़ी सी उससे छोटी थी। अरे रुको यार, नहीं रुकेगी यार, नहीं रुकेगी यार, इतनी स्पीड में आती कि क्या ही बताएं यार, मतलब क्या ही दिक्कत है, मतलब कि कार रुक ही नहीं रही, इतनी ज्यादा स्पीड में ऊपर से जेट आ रहा है कि मतलब कार रुकने का तो नाम ही नहीं है। लेकिन चलो यार कोई बात नहीं, फाइनली इसको लेके चलते हैं और देखते हैं भाई, उम्मीद करता हूँ कि भाई साहब ये भी पहली बार में पहुंच जाए, लेकिन यार उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूँ, आगे देखते हैं कि क्या ये जा पाएगी। पीछे से यार कोई बंदर ठोक मत देना यार, ठोकने से बैलेंस एकदम से बिगड़ जा रही है, और वो मैं नहीं चाहता कि भाई साहब मेरी कार की जो बैलेंस है वो एकदम से बिगड़ जाए। ओके और भाई साहब ये तो पलट गई, पलट गई मतलब की जाने वाली है, अरे यार भाई साहब यार क्या दिक्कत है समझ नहीं आ रही है, मतलब कि कार इतनी ज्यादा स्पीड में आ रही है कि रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहे। तो चलो यार कोई बात, देख रहे हो बंदे को, मतलब देख रहे हो बंदे को, भाई साहब ये तो मारेंगे ही, क्योंकि भाई साहब उनको भी तो चुल्ल मची है ना इस गाड़ी को करने को। ओ भाई साहब चलो चलो यार, ये लोग धक्के दे रहे हैं, भाई साहब बात को समझो बात को समझो। ओके अरे नहीं भाई साहब मैं गया, मैं पक्का जाऊंगा, मुझे पता है मैं पक्का गिरने वाला हूं। ओके क्या ये कंट्रोल हो पाएगी, मुझे तो नहीं पता कि ये कंट्रोल होगी कि नहीं होगी, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर सीन कुछ अलग है, और एक रैंप है बस। ओके ओ भाई साहब क्या गजब आया हूँ यार, क्या गजब आया हूँ, मतलब समझ रहे हो यहाँ पर लक बाय चांस बोल सकते हैं भाई साहब, क्योंकि आपके हाथों में यहाँ पर कुछ नहीं है, बस लक बाय चांस आपको कार को नीचे लानी है। और देखो यार यही रियल रैंप है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, बस ऐसे ही यानी बस वो बीच बीच में जो बस दे रखा है वो किसी काम की नहीं है, बस वो आंखों का धोखा है और कुछ नहीं। तो चलो कोई बात नहीं भाई साहब, फाइनली मजा आ रहा है, लेकिन काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा है कि यार यहाँ पर एक बार में अपनी जो कार है वो नहीं हो पा रही है, और यहाँ पर देख रहे हो हमारा जो जेड था वो टकराया था, और भाई साहब ये छोटी गाड़ी है,
तो चलो यार इसको लेके चलते हैं। और मैं दो नंबर हो चुका हूँ, 16 अपनी चेक पॉइंट हो चुकी है, मतलब 50% हो चुकी है, 50% और करनी है। तो बस यार इसको करते हैं और देखते हैं कि भाई साहब क्या हम लोग इसको सही सलामत कर पाएंगे। राहुल वाई टी आर हो चुकी है फर्स्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और उम्मीद करता हूँ कि भाई साहब ये गिरे ना, उम्मीद करता हूँ कि भाई ये गिरे ना और आराम से पहुँचा। ओके बहुत 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 प्यारा। अरे नहीं नहीं, अरे भाई साहब क्या सीन है यार, मतलब कैसे ये गिर जा रहा है समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई साहब, इस रैंप को खेलना अपने आप में एक सरदर्द है। लेकिन जब मैं इन लोगों को, मतलब जब ये मैच लग ही चुका है, तो भाई साहब मैं ख़त्म करके ही जाने का सोच रहा हूँ। और इसलिए भाई साहब मैं मजबूरी में कर रहा हूँ यार, क्या ही कर सकते हैं भाई साहब, करना ही पड़ेगा। नहीं तो भाई साहब यहाँ से तो बंदे बोर हो रहे हैं, मतलब बकवास सी रैंप है यार। पता नहीं यार ऐसे लोग रैंप बनाते ही क्यों हैं कि जिसमें मज़ा आना है। गेम लोग खेलता है यार मज़े के लिए, और जिस गेम में मज़ा आना है फिर वो गेम कैसा। ओके यार ज़िंदगी में तो स्ट्रेस भरी पड़ी है यार, जब गेम में भी स्ट्रेस मिलने लगे तो भाई साहब क्या ही जीवन होगा। और चलो 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 आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। ओ भाई क्या रोका हूँ मैं इसको यार, देख रहे हो अब समझ में आ गया कि भाई साहब यहाँ पर भी फुल स्पीड में आना पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है। तो चलो यार देखो एक बंदा तो लेफ्ट कर चुका है, क्योंकि भाई साहब मैं वही बता रहा था कि भाई साहब जिंदगी में स्ट्रेस की कमी थोड़े ही है कि यार गेम में भी स्ट्रेस ले, और यही बात हो रहा है भाई साहब। लेकिन चलो यार कोई बात नहीं, फाइनली हम लोग बहुत ज़्यादा आगे तक निकल चुके हैं। तो भाई अब सोच रहे हैं कि गेम को फिनिश करके ही जाए, लेकिन देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग गेम को कर सकते हैं। तो ये रही अपनी एक और नेक्स्ट चेक पॉइंट, और ये कौन सी गाड़ी है, जीप मिली है। चलो अब इसको लेके चलते हैं भाई साहब, इसको भी देखो यार फुल स्पीड में लेकर के जाने में ही भलाई है। और 19 चेक पॉइंट हो चुके हैं, मतलब 9 और चेक पॉइंट, यानी 3 गाड़ी, एक ये है, 2 और गाड़ी मिलेगी फिर अपना जो काम है वो खत्म हो जाएगा, गेम फिनिश हो जाएगा। तो चलो देखते हैं भाइयों, अगर आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही होगी तभी बता रहा हूँ, अगर खराब लगेगी तो भाई साहब आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक डिसलाइक। अगर अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बंदे आ रहे हैं, उससे पहले मैं यहाँ से निकल जाऊँ ताकि यार यहाँ पर बंदे मुझे ठोके ना, क्योंकि भाई साहब बंदे ठोक दे रहे हैं, और ठोकने के बाद तो भाई साहब गाड़ी की एकदम से बैलेंस ही बिगड़ जा रही है, और वो मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरी जो गाड़ी की बैलेंस है वो बिगड़े। और ले भाई साहब, मतलब कि क्या ही दिक्कत है। चलो भाई साहब यार फाइनली अपनी जीप को लेकर चलते हैं, और देखते हैं कि यार कि हम लोग जीप को कैसे लेकर के जाने वाले। एक बंदा यार फिनिश कर चुका है यार, क्या ही कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पर गेम खेलने में। एक से मैं 5 हो गया हूँ यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और ये मामूली सी जीप है साले, पता नहीं यार क्यों दे रखे हैं। और एक तो ये घटिया सी रैंप बना रखे हैं भाई साहब, ऐसी टट्टी क्या बना रखे हैं। और उसके बाद से यार यहाँ पर कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। और देखना यार, पहले जीप पहुँच जाओ यार, प्लीज़ पहुँच जाना प्लीज़, फुल रिक्वेस्ट है। ओके ओ भाई प्लीज। ओ आराम से नीचे नहीं भाई साहब, मैं सच बताऊँ यार बहुत ज़्यादातर पाया है ये जीप। लेकिन चलो फाइनली ये हो पाई, अब देखते हैं कि भाई लोग इसके बाद हमें कौन सी चेक पॉइंट मिलने वाली है। वैसे भाई साहब देखो ये जो रैंप है वो बहुत ज़्यादा बेकार सी है, जो भी बनाया है काफ़ी ज़्यादा टफ रैंप बना दिया, टफ तो पता नहीं यार क्या है, लेकिन कार काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर रही तो ये हो सकता है। तो चलो यार कोई बात नहीं है, लेकिन खूब मज़ा आ रहा है। तो इसके बाद देखते हैं कि अब हमें कौन सी कार मिलने वाली है, और भाई साहब यहाँ से देखते हैं कि कौन सी कार मिलने वाली। ओके ओहो बाइक है, चलो मज़ा आएगा बाइक को करने में, देखते हैं बाइक मज़ा आएगा क्या, बाइक कौन सी बाइक है। ओ भाई मस्त वाली बाइक है, तो चलो यार बाइक को लेकर चलते हैं, देखते हैं बाइक यार अगर एक बार में हो जाए तो मज़ा ही मज़ा होगा। और यहाँ पर चेक पॉइंट देखो 22 हो चुकी है, नीचे जाऊँगा 24, ऊपर आऊँगा 25, ऐसे ही करके भाई साहब यहाँ पर चेक पॉइंट अपनी हो जाएगी। तो चलो देखते हैं बाइक को लेके चलते हैं, और भाई साहब मुझे उम्मीद है कि यार अपनी जो बाइक है वो कम से कम एक बार में तो हो जाए। तो चलो उम्मीद देखते हैं क्या ये उम्मीद हो पाएगी, या उम्मीद पे मैं सही उतर सकता हूँ। ओके बाइक तो आराम से हो जाएगी, देखो यार मैं अरे आराम से बोलने का मतलब था यार नीचे नहीं गिरना था यार, बहुत ज़्यादा यार, मतलब बाइक को मैं कितनी ज़्यादा आराम से लेकर के जा रहा था, लेकिन भाई साहब यहाँ पर जो अपने साथ सीन हुई है ना, मतलब एकदम से बकवास ही हो चुके। तो चलो कोई बात नहीं, फाइनली यार इसको ले कर चलते हैं, और यार मुझे उम्मीद है कि मैं कम से कम इस बार तो बाइक को एक बार में कर लूँ। और देख रहे हो बंदे देख रहे हो। ओके भाई साहब प्लीज़ पहुँचाना प्लीज़, बार बार रिक्वेस्ट करना, पर ये कौन सी बात है यार, मतलब क्या ही कर सकते हैं यार। चलो कोई बात नहीं, बंदे ट्रक लेकर के जा रहे, और फाइनली बाइक तो आ चुकी है, क्या बात है। और मुझे इसके बाद अपनी जो लास्ट गाड़ी शायद मुझे ट्रक मिलने वाली है, तो पहले बाइक को लेकर चलते हैं यार। देखो मज़ा भी काफ़ी ज़्यादा आया है, और यहाँ पर सजा भी काफ़ी ज़्यादा मिली, क्योंकि ये जो थी ना रैंप वो उतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं थी, बकवास रैंप थी और गुस्से वाली रैंप थी। तो चलो यार कोई बात नहीं है, अब इसको लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई साहब इसके बाद क्या हमें ट्रक मिलने वाली है। शायद हाँ मुझे ट्रक मिलने वाली है, तो चलो यार ट्रक को लेकर के आएंगे, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्या देखते हैं
क्या है बड़ी ट्रक, ओके बड़ी ट्रक ही है, बड़ी ट्रक ही है, बड़ी ट्रक ही है, वही मैं बता रहा था। और एक बंदा जस्ट हमसे आगे, क्योंकि एक बंदा तो फिनिश कर चुका है और मैं हूँ तीन नंबर। तो चलो यार इस ट्रक को लेकर चलते हैं, और 25 हो चुके, नीचे 27, ऊपर 28, मतलब कि इसके बाद एक और गाड़ी मिलेगी हमें, जो भी मिले कोई एक गाड़ी और मिलेगी। तो चलो चलो यार अब इसको लेके चलते हैं। और क्या ये ट्रक को हम एक बार में लेकर के जा सकते हैं, ये देखने वाली बात है। बंदे कहाँ है भाई साहब, अभी तक बंदे देख रहे हो, मतलब ये भी ट्रक पे अभी लोग लगे पड़े। सोच के देखो वो बंदे लोग कितने ज्यादा परेशान होंगे कि भाई लोग अभी भी वो बंदे लोग इस गाड़ी पे लगे पड़े हैं। तो भाई साहब अपनी, अरे क्या यार क्या दिक्कत है, ये तो भाई साहब ये चैलेंज है यार, क्या ही ज्यादा दिक्कत है। और बंदे लेफ्ट कर जा रहे हैं पता नहीं क्यों, चलो कोई बात नहीं, वैसे भाई साहब मैं थर्ड था, लेकिन यार जब सारे बंदे निकल चुके होंगे तो मुझे भी जाना पड़ेगा, लेकिन चलो देखते हैं। और क्या भाई साहब ये एकदम से बकवास रेस थी, लेकिन मजा आया मुझे भी खेलने में, देखो थोड़ा सा तरप्त हुई है लेकिन मजा आया है। और भाई साहब मतलब चलो अब देखते हैं कि क्या ये पहुंच पाती है या नहीं। बंदे लेफ्ट कर चुके हैं तो मैं भी अब जरा लेफ्ट ही करूंगा, क्योंकि ये भाई साहब फिनिश तो नहीं होने वाला है, ये बात तो समझ में। देख रहे हो भाई साहब ये ट्रक देख रहे हो कहाँ जा रही है, ओके। अरे यार नहीं भाई साहब इसके बाद हमें एक और कार मिलने वाली, तो चलो यार कोई बात नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।